दिनांक 13 अगस्त 2022 को भारत ने विश्व के पटल पर एक नया अध्याय लिखा है। भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चेनाब रेल ब्रिज 13 अगस्त 2022 को कंप्लीट कर लिया है। इसका जो लास्ट सेगमेंट था, जो स्पान लॉन्च होना था, वो भी 13 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया है। इस पुल से जुड़े कुछ खास और अनोखे फैक्ट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की। दोस्तों, इस पुल को डिजाइन किया है जर्मनी और फिनलैंड की फर्म ने, साथ ही भारत का भी योगदान कम नहीं है। इस ब्रिज के फाउंडेशन प्रोटेक्शन की जो डिजाइन है वो भारतीय संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा की गई है। चेनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई यदि हम नदी के तल से नापें तो 359 मीटर है। साथ ही यदि चेनाब रेल ब्रिज की हम लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर है। 10,000 टन से भी ज़्यादा वजनी इस पुल की ऊंचाई विश्व के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा है। इस पुल के लिए इस्तेमाल किए गए कंक्रीट से यदि हम सड़क बनाएं तो 26 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़क बनाई जा सकती है। रेल मंत्रालय के अनुसार चेनाब रेल ब्रिज प्रोजेक्ट हाल के समय में सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में से एक रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इस पुल की लागत की यदि हम बात करें तो लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य करने वाली कंपनी एफकॉन्स लिमिटेड मशहूर ग्रुप सपूरजी पालोनजी ग्रुप की एक कंपनी है। इस ब्रिज के आर्च की डिजाइन फाइनल करने से पहले एक टेस्ट किया गया था। उसके बाद में पाया गया कि यह ब्रिज 266 किलोमीटर पर आवर तक की तेज रफ्तार की हवा को झेल सकता है। इस ब्रिज की यदि हम लाइफ स्पान की बात करें, उम्र की बात करें, तो 120 साल से ज़्यादा आंकी गई है। साथ ही इसके ऊपर से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन निकल सकती हैं। DRDO की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, मतलब इसके ऊपर ब्लास्ट किया जाए तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन DRDO के सहयोग से की गई है।